अस्सलाम वालेकुम। हमने डिस्कस करना है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रिजीम फार्माकोकाइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक है, जिसको फर्दर हमने तीन टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि जब भी हम पेशेंट है, पेशेंट की जो थेरेपी है उसको डिज़ाइन करने लगते हैं, तो हम पेशेंट को कंसीडर करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसकी डोजेज हमने क्या देनी है, क्या ड्रग देनी है, क्या डोजेज देनी है, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा कन्वीनियंट है, किस फ्रीक्वेंसी पे हम जो है वो ड्रग पेशेंट पे एडमिनिस्टर करेंगे, हमने सिंगल डोज पेशेंट को देंगे या फिर हम उसको कंटिन्यूस आई वी इन्फ्यूजन लगाएंगे, हमें कितना जो थेरेप्यूटिक लेवल जो है ना ड्रग का हमने प्लाज्मा में मेंटेन रखना है, कितने टाइम में हमने उसको अचीव करना है, ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस आई वी इन्फ्यूजन। कंटिन्यूस आई वी इन्फ्यूजन में हमने ड्रग को हमने कंटिन्यूली देते हैं, ठीक है। तो ड्रग की जो स्टार्टिंग जो है ना, जब आप कंटिन्यूस ड्रग को इन्फ्यूज़ करते हैं तो ज़ीरो कंसेंट्रेशन से ना, लेट्स सपोज 100 mg कंसेंट्रेशन जो है प्लाज्मा में, ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है उसको हमने मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ड्रग की कंसेंट्रेशन जो है वो 0 mg होती है, ठीक है, और विद अ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वो इंक्रीज करती है, फिर एक स्टेट आती है उसको स्टेडी स्टेट ऑफ कंसेंट्रेशन कहते हैं। स्टेडी स्टेट ऑफ कंसेंट्रेशन वो कंसेंट्रेशन होती है जब प्लाज्मा का जो लेवल होता है ना, जो ड्रग का लेवल होता है प्लाज्मा, वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। इस लेवल पर ड्रग जो है वो जिस रेट पे ड्रग एडमिनिस्टर हो रही होती है, रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट, राइट। अच्छा, अब ड्रग कंसेंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में जो है, और कुछ ड्रग्स जो हैं जिसको फॉलो करती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन जो है वो इसको एग्जिबिट करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, क्योंकि कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन जो होता है वो क्लियर हो रहा होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। हमने ये देखना है कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग फॉलोइंग कंटिन्यूस आई वी इन्फ्यूजन। ओके, हमने ये देखना है कि जब हम कंटिन्यू आई वी इन्फ्यूजन देते हैं ना, तो प्लाज्मा में ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है, वो बढ़ती है, वो 0 mg होती है स्टार्ट से, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेट्स सपोज 100 mg हो जाती है, तो एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है मतलब जिस रेट पे ड्रग जो है वो, अभी जो मैंने रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि रेट जिस पे ड्रग एडमिनिस्टर हो रही होती है वीकल हो जाता है रेट जिस पे ड्रग एलिमिनेट आउट हो रही होती है, फिर प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, राइट। अब हमें ये देखना है कि ड्रग को इन्फ्यूज़ करने की जो इन्फ्यूजन रेट है उसका ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन से क्या रिलेशन है। इन्फ्यूजन रेट का स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम पहले स्लो इन्फ्यूज़ कर रहे थे ना, और फिर जो है हमने इन्फ्यूजन रेट जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, तो जो टाइम है ना वो अचीव करने का स्टेडी स्टेट, वो जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, टाइम जस्ट टाइम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो स्टेडी स्टेट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन का क्लियरेंस से क्या इफेक्ट है, इन्वर्स इफेक्ट है। अगर क्लियरेंस जो है किसी भी ड्रग की वो कम हो जाए या उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, तो क्या नाम है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है, और स्टेडी स्टेट जो है वो बहुत लेट अचीव होगी। लेकिन अगर क्लियरेंस किसी हेपेटिक डिसफंक्शन की वजह से, रीनल डिसफंक्शन की वजह से ड्रग की क्लियरेंस बहुत जल्दी होने लग जाए, ठीक है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन तो जल्दी जो है वो फॉल करेगी और स्टेडी स्टेट जो है वो बहुत कम टाइम में अचीव हो जाएगी और प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन भी फॉल करेगी, राइट। हमने ये देखना है कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन, उसके लिए जो है वो हमने एक ग्राफ देखना है, ठीक है, उसके लिए हम एक ग्राफ देखेंगे, वो है दिस वन, स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन, ये मैंने ड्रॉ किया है टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि सबसे पहले ज़ीरो था ड्रग की कंसेंट्रेशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, बढ़ता गया, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि स्टेडी स्टेट जो अचीव हुई ड्रग की मतलब कंसेंट्रेशन, वहाँ पे जो ड्रग है वहाँ पे जो जिस रेट पे ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है उसी रेट पे आउट हो जाता है, मतलब उसी रेट पे एलिमिनेट आउट हो रहा है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब इसके लिए ना हम जो फैक्टर देखते हैं ना वो होती है हाफ लाइफ, ठीक है। स्टेडी स्टेट जो है ना ड्रग की जो स्टेडी स्टेट ड्रग कंसेंट्रेशन है ये हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रही होती है। अब जो चीज़ें हाफ लाइफ को जो चीज़ें जो है ना ऑफ कोर्स जो चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं वो स्टेडी स्टेट ड्रग कंसेंट्रेशन को भी अफेक्ट कर रही होती है। अब ये कैसे अफेक्ट कर रही होती है, अच्छा देखें,
पहले पहले ना कंसेंट्रेशन जो थी ना वो प्लाज्मा में ज़ीरो थी जब हमने पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर किया। अब एक हाफ लाइफ गुजरने आस्ते आस्ते इंक्रीज़ किया, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 50% स्टेडी स्टेट की कंसेंट्रेशन अचीव होती है, दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद 75% अचीव होती है, फिर थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद 90% अचीव होती है। इस तरह तीन से चार हाफ लाइफ जब गुजरती हैं ना, 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद जो हमें जो है ना ड्रग की कंसेंट्रेशन अचीव होती है, स्टेडी स्टेट ड्रग कंसेंट्रेशन। और ये जो है ये सोलली इसी पे डिपेंड कर रहा होता है, हाफ लाइफ पे, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि ड्रग को एडमिनिस्टर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वॉश आउट इफेक्ट आता है, मतलब प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, कम होने स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ग्राफ है ये उल्टा चलता है, जिस तरह एक हाफ लाइफ के बाद 50% अचीव हुई थी ना, तो इस तरह एक हाफ लाइफ के बाद 50% ड्रग एलिमिनेट आउट हो जाती है, फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद 75% ड्रग एलिमिनेट आउट हो जाएगी, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 90% हो जाएगी, और चार पांच हाफ लाइफ जो जिनके बाद स्टेडी स्टेट की ड्रग कंसेंट्रेशन अचीव हुई थी उसी के, मतलब उसी तरह 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद ड्रग जो है उसका वॉश आउट इफेक्ट आ जाएगा, वो बॉडी में से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है फिक्स डोज और फिक्स टाइम रिजीम जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।